हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि साबूदाना की खिचड़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टमाटर, इसको मैंने छोटे में काटा हुआ है, धनिया, जीरा, हरे मिर्च, काली मिर्च, इसको मैंने घर पर ही पीस लिया। आप चाहे तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक, मूँगफली लिए मैंने, फिर मैंने बॉयल करके आलू लिया हुआ है, साबूदाना लिया है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, थोड़े से गर्म पानी में भिगोया था, और ये देखिए इतने सॉफ्ट होके फूल गए ये। फिर मैंने यहाँ पे लिया हुआ तेल। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, उसके ऊपर हम एक कढ़ाई रख देंगे, आप एक पैन रख दीजिए और पैन को गर्म हो जाने देंगे। तो जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप चाहे तो बिना तेल के भी मूंगफली को रोस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें मूंगफली अपनी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। अब मूंगफली को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, वरना आपकी मूंगफली जल जाएंगी और फिर जला जला सा टेस्ट आएगा। तो बस 2-3 मिनट लगते हैं इनको भुनने में, ऐसे चलाते रहिएगा वरना मूंगफली जलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी मूंगफली में क्रैक्स आने लगे हैं, इसका मतलब ये एकदम ही पक चुके हैं। अब इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये हमारी सारी मूंगफली मैंने निकाल ली, ये देखिए। फिर इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, आप चाहे तो इसके जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें जीरा और हरी मिर्च डाल देंगे, फिर कुछ सेकेंड्स के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे हम। फिर इसमें हम डाल देंगे हमारे टमाटर, अगर आप टमाटर व्रत में नहीं खाते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे, आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो। फिर थोड़ी देर के लिए से हम ढक कर के पका लेंगे, ताकि थोड़े हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसका मैं लिड हटा देती हूँ, इसको मिला देते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, मिला देंगे इसको, और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए आलू। आप चाहे तो कच्चे आलू से भी बना सकते हैं अगर आप व्रत में खाते हैं तो। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है, बस तो थोड़ी देर के लिए फ्राई करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आलू बॉइल्ड है। फिर इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे, जैसे हमारे आलू कुछ फ्राई हो जाएंगे इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर से इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम इसमें डाल देंगे अपने साबूदाना, आप देख सकते हैं हम मेरे साबूदाना बिल्कुल अलग अलग से खिले खिले से बने हुए हैं। तब इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। फिर इसमें ऐड कर देंगे अपना पीनट्स, मूंगफली को ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक करके पका लेंगे। तो 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे मैं ढक दे रही हूँ। 2 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा देंगे, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है, इसलिए मुझे इसमें एक्सेस पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगता है आपको साबूदाना जल जाएगा तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए साबूदाना बिल्कुल ही सॉफ्ट बने हुए हैं।
अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फिर चलिए इसे सर्व कर लेंगे। सबसे पहले इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर ढकने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। देखिए मैंने बाउल लिया, बाउल में उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ही साबूदाना हमारा रेडी है। बहुत ही खाने में यम्मी लगता है ये। आप इसे व्रत के टाइम पे कभी भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर दिया और ये देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही में कमेंट कर दीजिएगा और फिर साथ ही में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।